दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वैक्सीन के आने तक प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है और इससे मौत के आंकड़ों में भी सुधार हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि रोजाना करीब 24,000 टेस्ट हो रहे हैं और दिल्ली में न बेड की कमी है न टेस्टिंग की। अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है, लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब लोग बीमार तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। किए गए दिल्ली में ट्रायल के जो नतीजे आए वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से लोगों को कोरोना में मदद मिलती है, जो मॉडरेट पेशेंट हैं वो सीवियर होने से बचते हैं, उनकी स्थिति सुधर जाती है, मौत के ऊपर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया था। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार देखिए जिनपिंग ने क्यों मान लिया पहाड़ पर हार तय है, माउंटेन वॉर में इंडिया कैसे हेवीवेट साबित हुआ।